आज आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी जिला अध्यक्ष परवेज खान के साथ पीवी 110 में गया, जहां 14 अगस्त के रात 3 मासूम सहित परिवार के 5 सदस्य का दीवार गिरने से मौत हो गई थी। पार्टी के कार्यकर्ता ने पाया कि मकान अत्यंत जर्जर अवस्था में था, जिस कारण दीवार गिरने से यह हादसा हुआ। पूरे गांव का निरीक्षण करने से उनको 15 से 20 घर और जर्जर हालत में मिली, जहां गरीब परिवार निवासरत है, कभी भी फिर अनहोनी हो सकती है। जिसको देखते हुए आम आदमी पार्टी मांग किया है कि परलकोट क्षेत्र के सभी गांव को सर्वे कर जर्जर मकान खाली करवा कर उन्हें सुरक्षित मकानों में आश्रय दिया जाए, साथ ही गरीबों को मकान देने की प्रक्रिया शुरू की जाए। शासन प्रशासन उक्त मामले को संज्ञान में लेकर जर्जर मकानों में निवासरत गरीब परिवारों का सर्वे कर उन्हें आश्रय प्रदान करे, अन्यथा आम आदमी पार्टी गरीबों को न्याय दिलाने के लिए सड़क के लड़ाई लड़ने में बाध्य होगी। पीवी 110 से वापस आकर पार्टी द्वारा मुख्यमंत्री के नाम SDM को ज्ञापन दिए। ज्ञापन देने के समय कोमल हुपेंडी, प्रदेश अध्यक्ष जिला अध्यक्ष परवेज खान, ऋषिकेश मजुमदार, ब्लॉक अध्यक्ष सुजीत कर्माकर, विधानसभा संगठन मंत्री प्रदीप मंडल, कोषाध्यक्ष मानदार राय, उत्तम पोद्दार, संजय मंडल, श्रीनिवास साहा, दुलाल पंचनान, प्रदीप राय, विश्वजीत सरकार और सारे कार्यकर्ता मौजूद थे। पखांजूर से विप्लव कुंडू की रिपोर्ट। 14 अगस्त को रात्रि परलकोट क्षेत्र के पीवी 110 गांव में 3 मासूम बच्चे सहित पति पत्नी की टोटल 5 लोगों की मौत हुई दीवार ढहने से। प्रदेश का यह पहला मामला है जहां पे दीवार ढहने से पूरा परिवार खत्म हो जाता है। एक तरफ सरकार बहुत सारे वादे किए, घोषणाएं किए, विकास की बातें करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आज गाँव का व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, ना सिर्फ 110 के उस पीड़ित परिवार अपितु 110 गांव में भी लगभग 15 परिवार ऐसे हैं जो आज भी जर्जर मकान में रहते हैं। जर्जर मकान की वजह से एक परिवार पूरा ख़त्म हो जाता है और परलकोट क्षेत्र के अनेक गांव में हजारों ऐसे परिवार हैं जो जर्जर मकानों में रहते हैं। आम आदमी पार्टी के द्वारा 16 तारीख को पीवी 110 में जाके वहाँ का स्थिति को देखे, हम लोग पीड़ित परिवार से मिले, वहाँ की परिस्थितियों को देखा समझा। आज हम माननीय भूपेश बघेल जी के नाम यहाँ के SDM को ज्ञापन दिए हैं। हमने मांग किया है कि पूरे परलकोट क्षेत्र के जर्जर मकानों की सर्वे हो और जो जर्जर मकानों में गरीब परिवार के लोग रहते हैं उनको सुरक्षित जगहों पर ले जाया जाए और उनके लिए पक्की मकान की व्यवस्था के लिए सरकार आगे काम करे, प्रोसेस आगे बढ़ाए। और निश्चित तौर पर हमें उम्मीद है कि भूपेश बघेल जी यदि संवेदनशील हैं तो परलकोट की समस्या को सुनेंगे, जानेंगे और उनके पक्के मकान दिलाएंगे। यदि फिर भी प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जाता तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हम सब मिलके परलकोट क्षेत्र की आवाज़ बनेंगे, उनकी समस्याओं को लेकर आंदोलन करेंगे, सड़क पर उतरेंगे।